हेलो एवरीबॉडी, यू आर वेलकम टू बेलसरे क्लासेस। आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 1.5 है, पार्ट थर्ड नंबर का पार्ट है, उसमें सब शो दैट के प्रॉब्लम्स है ना। तो जो पहले वीडियो में आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बस ऐसे उसी तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ लास्ट में आपको इसको अरेंज करना है। हाँ, तो थोड़े बड़े प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनो किस तरह सॉल्व करके देखो। तो पहले सर ही कही है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकंड ऑर्डर निकाला, फिर उसको अरेंज करना है बस। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, यानी वो समझने में बहुत ईजी जाएगा फिर, है ना। सिंपल सिंपल पॉइंट है, उसको पहले ही क्लियर कर लेते फिर बाद में वो तो आराम से समझ में आ जाता, ठीक है। अब देखो, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी राइट डी टू वाई बाय डी एक्स। ध्यान रखो, dy बाय डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ये दोनों अलग है, ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/√1 − x², ये तो फार्मूले पता ही है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनता है −1/√1 − x², और टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1+x², इस तरह। ये तो सब आपको पता ही है। और देखो, डेरिवेटिव ऑफ √1 − x², इस तरह की टर्म बीच बीच में आती जाएगी, है ना। इसको कैसे डेरिवेटिव निकालना है, इसको रूट एक्स समझना है थोड़ी देर के लिए, इसको एक्स कंसीडर करेंगे, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स समझ के डेरिवेटिव निकालना है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, इस तरह। और लेकिन ये एक्स नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 − x² का डेरिवेटिव, इसका जीरो हो गया, और इसका −2x/√1 − x², ये 2 कैंसिल हो गया, −x/√1 − x², इस तरह। और एक टर्म बताता हूँ, जैसे कि 1 − x² × 1 − x² है, दो बार आ रहा है, तो ओनली रूट साइन तो कैंसिल हो गया, अब बचेगा 1 − x². ऐसे बीच बीच में टर्म्स आती जाएगी, ये अगर पहले से क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, शो दैट है। तो dy/dx पहले निकालना है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर अरेंज करना है। देख तो कैसे, हियर एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शंस ऑफ टी, क्लियरली टी इज पैरामीटर, पैरामेट्रिक फंक्शंस है। तो dy/dx निकालना है पहले, तो dy/dx तो कैसे निकालते हैं, पिछले पीरियड में बताया था dy/dt/dx/dt, ये फार्मूला बनता। अगर थीटा पैरामीटर रहता तो dy/dθ/dx/dθ, थीटा अगर पैरामीटर है, है ना। तो यहाँ पे t पैरामीटर है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वी गेट dy/dx, ठीक है। dy/dx तो आ गया, ये तो पहले भी हो चुका है, dy/dx आ गया। तो dy/dx को फिर से x से डिफरेंशिएट करना है, t से नहीं, x से डिफरेंशिएट करना है, तभी तो d2y/dx² मिलेगा ना, इस तरह। अब देखो क्या करना है, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू t, t के फंक्शन है, सो वी गेट dx/dt, और इसमें एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस t, है ना, t स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस t, सो dx/dt आ गया आपका ट्वाइस at, चला एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं, dy/dt देखो क्या आ रहा है, dy/dt ट्वाइस ए कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 होता है, जैसे कि x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1, उसी तरह इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ये आ गया आपका ट्वाइस ए, ये हो गया dx/dt और dy/dt, देयरफॉर dy/dx थ्योरम क्या बता रहा है, dy/dx = dy/dt/dx/dt, अगर पता नहीं होगा तो इसके पहले का वीडियो देख लेना, dy/dt है twice a / twice at, तो twice a कैंसिल हो गया, तो dy/dx = 1/t, ठीक है, यहां तक तो हो गया dy/dx।
इसके बाद बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कहाँ करते हैं। देखो अभी आपको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है, तभी तो डेरिवेटिव ऑफ डीवाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स पर मिलेगा, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखो नॉट टी, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ। सो डेरिवेटिव ऑफ डीवाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया आपका डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बराबर है। और गड़बड़ी में क्या करते हैं, वन अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, गलत हो गया ना, ये टी का फंक्शन है, एक से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यही मिस्टेक होती है ना। तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, देन मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स, नोट दिस स्टेप केयरफुली, इसको ध्यान रखो अच्छे से, यही गड़बड़ी होती है। अब 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स जो है यहाँ रहता हो, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1 अपॉन ट्वाइस ए टी, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, इसको ऐसे ही रह लेते टी स्क्वायर और ट्वाइस ए टी, ये तो हो गया, लेकिन शो दैट ये इतना आंसर आना चाहिए, है ना, इतना आंसर आना चाहिए, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे अरेंज करना है, देखो किस तरह अरेंज करोगे, इसके जगह रिप्लेस करोगे वाई, दिख रहा है ना, ट्वाइस ए टी वाई होता है और टी स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स अपॉन ए, हाँ नाउ y इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी है, x इज इक्वल टू कितना है ए टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर बनेगा आपका x अपॉन ए, ठीक है, और y इज इक्वल टू है ट्वाइस ए टी, y इज इक्वल टू ट्वाइस ए टी है, दोनों को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, टी स्क्वायर के जगह, टी स्क्वायर के जगह ये रखेंगे और ट्वाइस ए टी के जगह y रखेंगे, तो क्या बनेगा, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, इसके जगह x अपॉन a और इसके जगह y, तो रेसिप्रोकल होके ये ऊपर गया माइनस a अपॉन एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, सो वी गेट एक्स वाई इन टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, है ना, तो ये प्लस अब इधर ट्रांसफर कर दो, सो एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, हो गया, तो देख लो एक बार चेक कर लो, इतना ही आ गया, यस, इन दिस यू कैन प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वाई इज इक्वल टू, अरे वो इसको अरेंज करना है, वो एम tan इनवर्स x, है ना, y इज इक्वल टू tan x में है, ठीक है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, लेकिन अरेंज करने के बाद किस तरह, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, x समझ के इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x ही होता है, अगर ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, बोलो e टू द पावर का डेरिवेटिव e टू द पावर m tan इनवर्स x, m tan इनवर्स x ही रहेगा और फिर से इसका डेरिवेटिव, इसका m tan इनवर्स x का फिर से डेरिवेटिव एज इट इज, ये y और इसका डेरिवेटिव बोल दो अभी m अपॉन, ये हम साइड में लिखा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x पर, है ना, इस तरह tan इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 प्लस x पर, इसलिए मैंने पहले बता दिया था सब, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो dy / dx आ गया आपका, हो गया, अब इसको अरेंज करना है, ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इसे टर्म मल्टीप्लाई कर दो dy by dx और ये हो गया आपका my, ठीक है, हाँ, now again differentiating with respect to x,
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट बन रहा, दो फंक्शन यू और वी है, यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय डीएक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज डीवाई बाय डीएक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगाया और एम और एम तो मस्ट ना डे वाई का डेरिवेटिव हो गया डीवाई बाय डीएक्स। बस अभी इसके बाद नहीं करना आपको, तो अरेंज करना से वन प्लस एक्स स्क्वायर और डीवाई बाय डीएक्स का डेरिवेटिव बनता है डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस डीवाई बाय डीएक्स, ठीक है, और इसका जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव टू एक्स और ये हो गया एम इंटू डीवाई बाय डीएक्स, एम इंटू डीवाई बाय डीएक्स हो गया। हो गया प्रो, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्वायर है ना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये माइनस होगा और डीवाई बाय डीएक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x, यहाँ 2x बचेगा है ना, तो इसको माइनस कर दिया, ये इधर ट्रांसफर हो गया तो ये माइनस एम और बचेगा dy by dx, कॉमन निकाला dy by dx which is equal to 0। देख लो एक बार, चेक कर लो 1 plus x square d2y by dx square twice x m dy by dx, yes is the right। हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो x is equal to कितना है cos t और y is equal to e to the power mt, इसको क्या है सेपरेट मत निकालो, dx by dt dy by dt वैसा भी होगा, वैसा भी कर सकते, पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, देन वी गेट dy by dx, तो y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर देते इजी बनता है, किस तरह देखो इजी बनेगा ये y is equal to e to the power mt है और आपके पास x is equal to cos t है, x के टर्म में उसको एक्सप्रेस करना है y को, तो t बनेगा आपका cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x t is equal to cos इनवर्स x, धारक दो, so y is equal to e to the power m cos इनवर्स x, बन गया इस तरह का प्रॉब्लम, पहला जो प्रॉब्लम है इस तरह का बन गया, अभी बस वैसी प्रोसीजर है अभी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आप पैरामेट्रिक फंक्शन फार्मूला लगा के वो थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, ये इजी जाएगा, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव dy by dx, ये टर्म रिप्लेस हो गया y है और इसका डेरिवेटिव बोलो अभी m रखा इसे और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया था आइडिया है ना, एम साइड में लिखा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो दैट इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाय डीएक्स, ऐसे ही करना है इसमें और ये माइनस एम वाई होगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विथ रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं u into v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मतलब dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ u अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हो गया प्रोडक्ट रूल इधर, और इधर बनेगा माइनस m इंटू dy by dx, तो ध्यान दो ये बन गया आपका अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसमें प्लस डी वाई बाय डी एक्स पहले ही बताया था, बोलो अभी डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स समझ के डेरिवेटिव निकालो वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स और इसका डेरिवेटिव हो गया, तो हाँ इसका तो पहले ही लिख दिया माइनस एम डीवाई बाय डी एक्स, इस तरह डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू इसका वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाय डी एक्स लिखा। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया और एक लोअर स्टेप लिख देता हूँ है ना, तो गड़बड़ी नहीं होगी, लोअर स्टेप देखो क्या है
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ी लोअर स्टेप लिख रहा हूँ, माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ तक हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल होगा, पहले एक्सप्लेन किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, अब एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वाई, गलत लिखा था, डी वाई बाय डी एक्स, एक बार चेक कर लो, टू कैंसिल हो गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एम इंटू डी वाई बाय डी एक्स चाहिए रिप्लेस करने के लिए। अच्छा, यहाँ तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, ये मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, बराबर है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बनेगा माइनस एज इट इज, एम ऐसे ही रहने दो, एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रूट निकल गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया ना, डी वाई बाय डी एक्स, अब देखो रिप्लेस होता है ना, अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़े लंबे प्रॉब्लम है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और थोड़ा ऑब्जर्व करो, माइनस एम अंडर रूट ऑफ, ये वाला देखो, फ्रॉम 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, क्या बनता है, माइनस एम वाई, ये माइनस एम वाई रखो और ये माइनस एम वाई फ्रॉम वन कर दो, हो गया प्रूफ, अभी मिटा देता हूँ, अभी जगह नहीं है इसमें, है ना, तो आ गए ना, क्या करना है प्रूफ, ये वाला था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, देख लो एक बार, ये वाला था, इसको प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये बनेगा एम स्क्वायर वाई, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, एम स्क्वायर वाई को इधर लिख दो, हो गया प्रूफ, लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये एम स्क्वायर वाई है तो इधर लाओ, माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, इस तरह आ गया अभी, है ना, ये हो गया, प्रूव हो गया, देख लो एक बार, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, अगर कंफ्यूजन है तो फिर से बताता हूँ, यहाँ से स्टेप बता देता एक मिनट में, है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाएगा, अब देखो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, एक मिनट का काम है, हाँ डिफ्रेंशिएट करते, ठीक हो, बोलो ये तो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है, नंबर वन दे दिया इसको, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करते, फिर से दोबारा बता रहा हूँ यहाँ से, है ना, यू इंटू ही है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज और अंडर रूट एक्स समझ के डेरिवेटिव निकालो, 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स और ये बनेगा माइनस एम डी वाई बाय डी एक्स, क्या रहा देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, ये सामने लिख रहा हूँ इसको, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी वाई बाय डी एक्स।
मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। अब देखो क्या आ रहा, यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस x into dy बाय dx, और यहां भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर into dy बाय dx मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो टर्म है ये रिप्लेस हो रही, ये वाली टर्म है ना, तो इसको माइनस एम वाई लिखेंगे, माइनस एम और माइनस एम वाई, कहाँ से लिया, फ्रॉम वन, तो ये क्या बन गया अभी, माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर वाई, बस आ गया। इसको इधर लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर लाया तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, आ गया ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है y इज इक्वल टू, ये तो अलग ही दिख रहा, y इज इक्वल टू x प्लस टेन एक्स, हाँ इनवर्स नहीं है, टेन एक्स है, बस उतना ही है, इतना आंसर आना चाहिए, वो इधर नहीं आता, उसको लेफ्ट साइड लेके करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसा करना है। देखो ये वाला शो करना है, इसको ध्यान दो, इसको शो करना है, हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट dy बाय dx, और डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो ना, लोअर स्टेप लिख लेता, जान लो tan x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और डेरिवेटिव ऑफ tan x हो गया sec स्क्वायर x, इनवर्स नहीं है, tan x है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, ये हो गया आपका dy बाय dx, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया d2y बाय dx स्क्वायर, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव, अभी फिर से जो हर बार बता रहा हूं, x टू द पावर n का टाइप है, sec x का होल स्क्वायर है ये, है ना, इस तरह है, मतलब x टू द पावर n 2, हां ये क्या बनेगा, n x टू द पावर n माइनस 1, अगर ये x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव, इसमें भी वैसे ही है, x टू द पावर 2x, ये x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव, हाँ बोलो, इसका जीरो हो गया, 2 टाइम्स sec x, और sec x का फिर से डेरिवेटिव, लोअर स्टेप लिख रहा हूं, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sec x, दैट इज 2 sec x, और sec x का डेरिवेटिव बनता है sec x into tan x, sec x into tan x, that is d2y by dx square बन गया आपका 2 sec square x into tan x, ठीक है, ये first order derivative, ये second order derivative, अब आपको इसको शो करना है, इसको अरेंज मत करो, ये बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें आपको शो करना है, लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड आंसर आना चाहिए जीरो, हो गया प्रूफ। अब कंसीडर LHS, लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसको इस तरीके से करेंगे, cos स्क्वायर x into d2y by dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x, कितना आंसर आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, राइट साइड जीरो है तभी सेटिस्फाई होगा, है ना, तो देखते हैं क्या करना है, ये जो d2y by dx स्क्वायर है ये रखेंगे, और y के जगह ये वाला है, और एच टू है, तो एज इट इज डिवाइड बाई डी एक्स, तो रखना ही नहीं है, देखते, देखो cos square x जीरो आना चाहिए, cos square x, हाँ बोलो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू sec square x into tan x, हाँ ये हो गया, माइनस टू टाइम्स y मीन्स x प्लस tan x एंड प्लस टू एक्स, Yes, it is. That is cos square x 2 into cos square means 1 upon cos square x, है ना, into tan x, ऐसे ही रहने दो, minus 2x minus 2 tan x plus 2x, ये तो गया, ये भी कैंसिल हो गया,
अब क्या बचेगा, 2 tan x है ना, 2 tan x माइनस 2 tan x दैट इज 0 व्हिच इज RHS, हेंस प्रूव। इस तरह ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब बाकी के प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।